गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो देखिए, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। आज आप लोग उसके डायग्राम के बारे में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखिए रीनल आर्टरी होती है। ये देखिए ब्रक धमनी है, ये होती है रीनल आर्टरी। तो देखिए ये एक प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेती है। तो इसमें अनेक प्रकार से देखिए सेलें पाई जाती हैं, जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर। ये देखिए अनेक प्रकार से गोल अंगूर के गुच्छे के समान स्ट्रक्चर है ये, तो इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले रीनल आर्टरी क्या करती है, ब्लड आयंस और वाटर को लाती हैं। तो ब्लड में देखिए आयंस होती है, वाटर होती है। तो रीनल आर्टरी का वर्क ये मतलब यही होता है कि ये क्या करती हैं कि ब्लड आयन और वाटर को लाती हैं, और जो रीनल वीन होती हैं वो उनको बाहर निकाल लेती हैं। ये लाने का कार्य करती हैं, ये बाहर ले जाने का कार्य करती हैं। तो देखिए इसमें अंगूर के गुच्छे के समान स्ट्रक्चर पाई जा रही है, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्टर कहा जाता है। और देखिए ये दोनों बढ़कर आगे एक प्रकार से कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। एक कप लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए कप के समान स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसे कहा जाता है बोमेन कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल कहा जाता है। और तथा ये देखिए आगे बढ़कर एक प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और देखिए डक्ट बना लेती हैं। तो देखिए ये जो मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, यानी पीसीटी से इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आगे झुकी हुई नलका, ये एक प्रकार से झुकी हुई नलका होती है, और इसे कहा जाता है डिसेंडिंग लोब कहा जाता है, और नीचे वाला पार्ट होता है इसे एसेंडिंग लोब कहा जाता है। और ये एक प्रकार से यू लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेनले लूप, या इसे कहा जाए हेनले का झूला कहा जाता है। तो आगे आप लोगों को इसकी फिजियोलॉजी बताएंगे, इसमें मतलब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। आज बस आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए ये जो मतलब नलका है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये आगे की ओर झुकी हुई मतलब होती है नलका, ये पीछे की ओर झुकी हुई होती है नलका। तो ये एक प्रकार से कलेक्टिव डक्ट होती है, यहाँ से जो भी मतलब यूरिन होता है वो मतलब जो होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए कल आप लोगों को इसकी पूरी मतलब वो बताएंगे फिजियोलॉजी। तो देखिए नेफ्रॉन क्या करता है, तो देखिए जो कल आप लोगों को बताया था कि ये नेफ्रॉन क्या होता है, तो देखिए किडनी में अनेक प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। जैसे ये कोई किडनी है, इसमें अनेक प्रकार की सेलें पाई जा रही हैं। तो इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया नेफ्रॉन। आगे आप लोगों को बताया था कि जो नेफ्रॉन होती है वो स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट होती है, यानी जो मतलब ब्लड का प्योरिफिकेशन कौन करता है, मतलब किडनी नहीं करती है, उसमें पाई जाने वाली सेल है यानी नेफ्रॉन सेल है करती हैं। तो देखिए नेफ्रॉन सेल है, ये क्या करती हैं, ये इन्होंने मतलब जैसे ये इन्होंने ब्लड का शुद्धिकरण किया या मतलब प्योरिफिकेशन किया, तो उन्हें क्या करना है, उसमें से अनेक प्रकार के उन्हें सब्सटेंस मिलते हैं, जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस मिले, और मतलब NaCl मिला, आयन मिला, इम्प्योरिटी मिली, और मतलब यूरिन मिला। अब उन्हें यूरिन का करना है प्योरिफिकेशन, तो वो आयंस को तो बाहर निकालेंगे नहीं, क्योंकि आयंस क्या करते हैं बॉडी बैलेंसिंग का वर्क करते हैं, और एक प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन में वर्क भी करते हैं। ये एक प्रकार से बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो इन्हें बस क्या करना है, नेफ्रॉन को मतलब वर्क यही होता है कि ये केवल यूरिन का प्योरिफिकेशन करता है, और जो हमारे लिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे लिए ऐसे बेनिफिशियल हैं, तो मतलब उनका भार मतलब एक्सट्रेड नहीं करता है, केवल यूरिन का करता है। तो देखिए किस तरीके से करता है, तो जो नेफ्रॉन क्या करता है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करता है, फिल्ट्रेशन ब्लड का भी होता है। तो ब्लड में अनेक प्रकार से आगे आप लोगों को बताएं आयंस होते हैं, इम्प्योरिटी होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो उनमें से केवल यूरिन का करता है, और यूरिन में अनेक प्रकार से नाइट्रोजन बेस कंपाउंड भी होते हैं, जैसे आप लोगों को बता चुके हैं यूरिया हुआ और यूरिक एसिड हुआ, अमोनिया हुआ, उसका एक प्रकार से एक्सट्रेट करते हैं, उसमें मतलब यूरिन का प्योरिफिकेशन करते हैं। कल आप लोगों को इसकी पूरी फिजियोलॉजी बताएंगे, ये क्या होते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। और आगे बस आज आप लोगों को बस स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल आप लोगों को इसकी फिजियोलॉजी बताएंगे। थैंक यू।